ब्राजील कॉस्मेटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड यस क्यों बोला जाता है ब्राजील हर मेल या फीमेल टीन के बाद hmm. वहाँ जाइए फेस में कुछ न कुछ फिलर या बोटॉक्स या लेफ्ट या चिन चलर या लिप फिलर या कुछ भी लाइक इट बी ऑलमोस्ट विच इज नॉर्मल एवरीवेयर क्या बात कह मोर कॉमन देन यूएस वेरी कॉमन वेरी कॉम यूएस से ज्यादा ब्राजील में फर्स्ट स्टार्टिंग देयर फ्रॉम देयर इट हेयर इट कम्सर यू एस एनी वेयर सो इवन बट फिलर्स हो बट लिफ्ट हो लाइक एवरी स्मॉल एरिया ऑफ ए वक्लूडिंग काफ मजल इंक्लूडिंग बट हिम प्लांट भी डालवा के सर्जरी कराना नहीं तो बट फिलर्स आजकल तो बहुत इटालियन अच्छा सा फिलर्स आ गया नॉन सर्जिकली ब्रेस्ट फिलर एंड बटक फिलर कहीं भी उनको फिलर चाहिए सो हाई इंटेंसिटी लाइक फिलर्स आल्सो अवेलेबल सो यू वहाँ पे तो ब्राज़ील में यू आर सेइंग कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट फिलर्स बट फिलर्स और लिप फिलर्स कराते फिलर्स माइन्यूट सर्जरीज फॉर कॉस्मेटिक सर्जरीज सबसे ज्यादा क्या होता है उधर विच वोसिस फिलर्स सर्जरी कराता है और फिलर बहुत कराते वॉट इज द मोस्ट कॉमन फिलर मोस्ट ऑफ इट इज लिप ब्राजील में लिप एंड चिन्ह और बट बटक फिलर एंड मेन में, में आजकल थोड़ा सा chin fillers और मोस्टली नो जॉब्स और लाइक ओके। एंड इंडिया में ये क्या होगा इफ़ यू हैव टू पुट इट, इंडिया में लोग ज़्यादातर क्या कराते हैं वेमेन क्या कराती हैं इंडिया में ज्यादा इंडिया में पर्सनली स्पीकिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ बहुत वेमेन को बहुत सैग्स की नाना हुँ. और स्टेचमार्क आ जाना पर्सनल लाइफ में हसबेंड के साथ ब, कुछ ईयर्स बढ़ते बढ़ते वक्त थोड़ा कुछ लोगों से पेन लाइक पर्सनल लाइफ में दे आर नॉट हैप्पी ऐसा बॉडी हो गया इवन आफ्टर देयर ओन चाइल्ड बर्थ ओके ऐसा प्रॉब्लम्स है कुछ लोग कम टू गेट ए लाइफ ऑफ एक्शन प्रॉपर शेपिंग कराना ये सब ज़्यादा कॉमन है वेरी कॉमन सी प्रेगनेंसी के बाद के बाद जो हो 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 और और मोटे लटकने लग जाती है है उसको करेक्ट कराने के लिए करेक्ट कराने के लिए बहुत लोग आते रहते हैं स्किन में आजकल जस्ट व्हाट वी डिस्कस लाइक ये स्किन फिलर्स के लिए या सबसे ज़्यादा कॉमन फिलर्स क्या होंगे इंडिया में चीक एंड ओके सबसे ज्यादा मैन में स्किन में स्किन वाइटनिंग हो hmm. या हेयर ट्रांसप्लांट hmm. या गैनिकोमैस्ट गैनिको मैस्टर मतलब आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया बहुत लोगों को फिफ्टीन ईयर ओल्ड बॉय वो बाहर खेलने नहीं जाएगा क्यों स्विमिंग करने नहीं जाएगा क्योंकि उसको मेल बूबस आने लगा मेल ब्रश जैसा दैट इज एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ़ नॉर्मल सा फैट टिश्यू और जब प्लान टिश्यू रहता ब्रश के अंदर वो मर्द को थोड़ा फीमेल जैसा ब्रश जैसा मेल बूस बोलते हैं उसको दैट इज़ गैन मैस्टे जब वो जब आ जाएगा वो इनसेटी से वो ऐसे बेंड होके वॉक करना नहीं तो टी शर्ट के ऊपर एक जैकेट लाइक हुडी ऐसा पहनना स्विमिंग के लिए जाना है तो नहीं जाना स्पोर्ट्स के लिए जाना लोगों को मिलना है तो कोई ऐसा टच करके कुछ मजाक करते yeah. रहते हैं सो उससे इन्फीरियर हो के बाहर जाना बाहर मिलना बहुत कम करेगा आजकल गैन कुमार बहुत ज़्यादा हो गया अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो